हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा टाइप स्क्रिप्ट का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पर्पस के लिए। अगर आपका इंटरव्यू देने जाते हैं और अगर आपके रिज्यूम में मेंशन है टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट, तो आपसे जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में डिफरेंस बताओ। तो आप इस वीडियो को अगर अच्छे से समझते हैं तो आप उस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। अगर आपने इन दोनों पर काम कर रखा है तभी आपको पता चल जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो हम आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके YouTube ऐप और ईमेल में मिलती रहे। और सबसे पहला डिफरेंस यह है कि जावा स्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट स्ट्रांगली टाइप्ड और स्टैटिक टाइपिंग। इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि स्ट्रांगली टाइप्ड क्या होता है, वीक टाइप्ड क्या होता है, और इसके बारे में डिटेल्स में भी हम वीडियो लेकर आएंगे। छोटा सा डिफिनेशन अभी भी समझ लीजिए कि हम जैसे जावा स्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल लेते हैं, तो अगर हम एक वेरिएबल एक्स लिया और वहाँ पर हमने कोई नंबर डाल दिया, 10 डाल दिया, नीचे लाकर उसी एक्स वेरिएबल में हम स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, नीचे आ जाकर उसमें हम बुलियन वैल्यू भी डाल सकते हैं। मतलब कि वीकली टाइप है, एक ही वेरिएबल में हम अलग अलग तरीके के डेटा टाइप के डेटा डाल सकते हैं। तो उससे हमें क्या होता है कि गलतियां होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कि अगर मान लीजिए हमें किसी वेरिएबल को एज ए नंबर ट्रीट करना था, नीचे हमने उसमें स्ट्रिंग पास कर दिया है, तो उसके नीचे अगर हम उसको कैलकुलेशन के लिए पास करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो आएगा गलत आएगा। तो ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में नहीं हो पाता है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में हम किसी नंबर को स्ट्रांगली टाइप बना देते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं कि ये वेरिएबल जो है स्ट्रिंग टाइप का है तो केवल स्ट्रिंग ही जाएगा, नंबर टाइप का डिफाइन कर देंगे तो केवल नंबर ही जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट जो है वीकली टाइप्ड है और टाइप स्क्रिप्ट आपका स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। अगला है कि जावास्क्रिप्ट नेटस्केप द्वारा डेवलप किया गया था 1995 में, और टाइप स्क्रिप्ट एंडर्स ने डेवलप किया था 2012 में, जो कि एक सी शार्प के सी शार्प टीम के जो सी शार्प डेवलप हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने, उसके टीम के कोर मेंबर थे, उन्होंने डेवलप किया था 2012 में। इन्होंने 2010 में ही काम करना स्टार्ट कर दिया था टाइप स्क्रिप्ट को डेवलप करने के लिए। उसके बाद आपका जावा स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन जो होता है .js फाइल होता है, और टाइप स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन .ts फाइल होता है। जब भी आप टाइप स्क्रिप्ट का कोड करेंगे तो जब उसको सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन .ts बनेगा, और जावा स्क्रिप्ट में जब आप काम करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन बनता है फाइल का .js बनता है। जावा स्क्रिप्ट डायरेक्टली ब्राउजर पर रन कर जाता है, जबकि आपको पता है कि टाइप स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए हमें उसे कंपाइल करके ट्रांसफॉर्म करना होता है जावा स्क्रिप्ट में, क्योंकि आपका जो जावा स्क्रिप्ट है डायरेक्टली ब्राउजर पर रन कर जाता है। आपका जो ब्राउजर होता है HTML और जावा स्क्रिप्ट को ही अंडरस्टैंड कर पाता है, टाइप स्क्रिप्ट को नहीं अंडरस्टैंड करता। तो जब भी हम टाइप स्क्रिप्ट में कोई कोडिंग करते हैं तो उसे हम कंपाइल करके ब्राउजर को देते हैं, तब ब्राउजर उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाता है और उस चीज़ को डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर जो होता है TSC, जिसे हम बोलते हैं टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, वो कंपाइल करके उसको ट्रांसफॉर्म करता है जावास्क्रिप्ट में, तब फाइनली आपका जो पेज होता है रेंडर कर पाता है वेब पेज पर, ब्राउजर पर। उसके बाद आप देखिए कि इट इज ए जस्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जबकि टाइप स्क्रिप्ट उप्स के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। जैसे उप्स का कंसेप्ट कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उसको सपोर्ट करता है। मतलब कि टाइप स्क्रिप्ट में हम क्लासेज बना सकते हैं, इंटरफेसेज बना सकते हैं, इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं, जेनरिक बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम टाइप स्क्रिप्ट में कर सकते हैं, जबकि जावा स्क्रिप्ट में ये चीज़ हम नहीं कर पाते। अगला है कि जावा स्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट ऑप्शनल पैरामीटर, और टाइप स्क्रिप्ट ऑप्शनल पैरामीटर को सपोर्ट करता है। तो ऑप्शनल पैरामीटर क्या है, जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर पैरामीटर आर्गुमेंट पास करते हैं, बनाते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट में हम ऑप्शनल पैरामीटर नहीं दे सकते, जबकि टाइप स्क्रिप्ट में हम ऑप्शनल पैरामीटर दे सकते हैं। कैसे देते हैं विद एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग करके हम आगे इसी सीरीज में देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल करके हम देखने वाले, एक एक जो भी पॉइंट है, एक एक पॉइंट हम अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग कर करके देखेंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और सारे वीडियो को फॉलो कीजिए ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए टाइप स्क्रिप्ट पर। आगे देखिए, इसमें अगला जो है जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मतलब कि जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेट होता है, कंपाइल नहीं होता, इसलिए इसका जो एरर होता है रन टाइम पर
हमें पता चलता है कि रन टाइम पर एरर, जो हाईलाइट होता है एरर, वो रन टाइम पर पता चलता है, कंपाइल टाइम पर हम उसको गेट नहीं कर पाते ये हमारे कोड में क्या एरर है। जब हम रन कराते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे कोड में ये एरर था, इसलिए हमारा आउटपुट एग्जैक्टली जो आउटपुट आना था वो नहीं आ पा रहा है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट पर हम डेवलपमेंट टाइम में ही, कंपाइल टाइम पर ही हम एरर को गेट कर लेते हैं। टाइप स्क्रिप्ट हमें उस चीज़ को हाईलाइट कर देता है कि आपके कोड में यहाँ पर एरर है। तो इसलिए हमें टाइप में इस चीज़ का फायदा मिल जाता है कि हमें रन करने से, एग्जीक्यूट होने से पहले पता चल जाता है कि हमारे कोड में कहाँ कहाँ पर एरर है। जावा स्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट मॉड्यूल्स, जावा स्क्रिप्ट में मॉड्यूल्स क्रिएट नहीं कर सकते, जबकि टाइप स्क्रिप्ट में मॉड्यूल हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे बनाते हैं, क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम आगे भी देखेंगे वीडियो में कि किस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट मॉड्यूल को सपोर्ट नहीं करता और टाइप स्क्रिप्ट मॉड्यूल को सपोर्ट करता है। जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें तो नंबर, स्ट्रिंग, ये सारे ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज किया जाता है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है, जबकि टाइप स्क्रिप्ट में नंबर, स्ट्रिंग एक इंटरफेस के तरीके से यूज होता है, एज ए इंटरफेस यूज होता है। इसको भी देखेंगे प्रोग्रामिंग करके कैसे होता है ये, वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे लाइव बिल्कुल कि देखिए इसका जो टाइप दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, इसका टाइप हमारा इंटरफेस दिखा रहा है, इस सारी चीज़ों को हम बहुत ही डीपली देखने वाले एज ए कॉर्पोरेट लेवल। उसके बाद जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट जेनरिक्स, जेनरिक सपोर्ट नहीं करता जावास्क्रिप्ट, मतलब कि हम किसी चीज़ को जेनरिक नहीं बना सकते। मतलब कि जेनरिक वो चीज़ कोड होता है कि एक कोड हमने जेनरिक बना लिया, उसको जिस तरीके से हम यूज करना है उसको हम कर लेते हैं, टाइप जेनरिक टाइप का हम बना देते हैं, जेनरिक क्लास बना देते हैं ताकि हम किसी भी टाइप का डेटा पास करें तो उस तरीके से वो बिहेव करने लगे। ये जावास्क्रिप्ट नहीं कर पाता है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट करता है। जेनरिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जो कोई भी कोड हम जेनरिक बना लेते हैं उसको अपने तरीके से यूज कर लेते हैं, जहाँ पर हमें जिस तरीके से यूज करना होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम प्रोग्राम बना बना के देखेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में कितना डिफरेंस है, क्यों हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं, क्यों हम जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, सारी चीज़ों को आपने अच्छे से समझा होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताते चलूं कि हम लाइव प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन क्लासेज होते हैं हमारे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से क्लासेज चलते हैं, आप वहां से इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें कॉर्पोरेट लेवल की होता है बिल्कुल डिटेल्स में होता है, वो सारी चीज़ें हम अपने क्लास में और भी डिटेल्स से बताते हैं। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं और जिसमें हम लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको देखने को मिले। आपका एक एक लाइक हमारा मनोबल और बढ़ाता है और हम और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।